नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेकहेल। दोस्तों, आज हम इसे बनाना सीखेंगे। ये एक स्मोक मशीन है, तो चलिए शुरू करते हैं और इसे बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें कार्डबोर्ड से ऐसा एक छोटा सा बॉक्स बना लेना है। और दोस्तों, पहले हमें बॉक्स का तीन साइड गम से जोड़ लेना है और इस साइड को हम लोग अलग से रख देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक छोटा सा कार्डबोर्ड का टुकड़ा। उसके बाद इस कार्डबोर्ड के टुकड़े को हम लोग बॉक्स के अंदर ऐसे लगा देंगे। लगाने के बाद इसे हम लोग गम से अच्छे से फिक्स कर देंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें इस कार्डबोर्ड के टुकड़े के एकदम बीचों बीच एक ऐसा होल कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक मोटर। और दोस्तों, ये मोटर आपको आसानी से किसी खराब सीडी या डीवीडी प्लेयर से आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, अब हमें इस मोटर को इस कार्डबोर्ड के टुकड़े के साथ ऐसे लगा देना है। उसके बाद मोटर को हम लोग गम से अच्छे से फिक्स कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक छोटा सा ब्लेड। उसके बाद दोस्तों, अब हमें इस ब्लेड को मोटर के साथ लगा देना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक ऐसा छोटा सा हीट रेजिस्टेंस प्लेट का एक टुकड़ा। उसके बाद दोस्तों, अब हमें इस प्लेट में ऐसा दो होल कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा ऐसा दो कनेक्टर। और दोस्तों, ये दो कनेक्टर आपको आसानी से किसी होल्डर में आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये दो कनेक्टर हम लोग इस प्लेट में ऐसे लगा देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें इस हीट रेजिस्टेंस प्लेट को बॉक्स के अंदर की तरफ ऐसे लगा देना है। लगाने के बाद इस प्लेट को हम लोग गम से अच्छे से फिक्स कर देंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें मोटर का नेगेटिव और पॉजिटिव तार ये दो कनेक्टर के साथ ऐसे कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक सॉकेट। और दोस्तों, इस सॉकेट के साथ आप अपना मोबाइल का चार्जर कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब हमें इस सॉकेट को बॉक्स में ऐसे लगा देना है। लगाने के बाद दोस्तों देखिए, अब हमें सॉकेट का जो पॉजिटिव तार है, इस तार को हमें कनेक्ट करना है इस कनेक्टर के साथ। और दोस्तों देखिए, इस कनेक्टर के साथ हमने मोटर का नेगेटिव तार कनेक्ट किया है। उसके बाद सॉकेट का नेगेटिव तार हम इस कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे। और दोस्तों देखिए, इस कनेक्टर के साथ हमने मोटर का पॉजिटिव तार कनेक्ट किया है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक छोटा सा नाइक्रोम वायर का टुकड़ा। उसके बाद इस नाइक्रोम वायर को हम लोग एक स्क्रूड्राइवर के ऊपर ऐसे टर्न कर लेंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें इस कॉइल को ये दो कनेक्टर के साथ ऐसे कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा कॉटन का टुकड़ा। उसके बाद इस कॉटन के टुकड़े को हम लोग इस कॉइल के अंदर ऐसे लगा देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा थोड़ा सा ग्लिसरीन। उसके बाद दोस्तों, अब हमें इस कॉटन के टुकड़े को ग्लिसरीन में अच्छे से भिगो लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें बॉक्स के इस साइड को लगा देना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक नेट का टुकड़ा। उसके बाद उस नेट के टुकड़े से हम लोग ऐसा एक छोटा सा स्क्वायर शेप का टुकड़ा काट लेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें इस नेट के टुकड़े के दो साइड में ऐसा दो कार्डबोर्ड का टुकड़ा लगा लेना है। तो दोस्तों, ये एक कैप जैसा हो जाएगा। उसके बाद देखिए,
अब हमें इस कैप को बॉक्स के ऊपर ऐसे लगा देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, देखिए मैंने इसके लिए ऐसा एक स्टैंड बना लिया है और इस स्टैंड के साथ मैंने इसे लगा दिया है। तो दोस्तों, आप अपने पसंद के हिसाब से एक स्टैंड बना लीजिए और स्टैंड के साथ इसे लगा दीजिए। तो दोस्तों, ये स्मोक मशीन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक स्मोक मशीन अपने घर में बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।